वेलकम बैक टू माई कुकिंग स्टाइल। आज मैं आपके साथ चिकन करी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिकन करी बनाना। और वेदर काफ़ी अच्छा है बाहर का, तो ये ढाबा स्टाइल चिकन करी है। पूरा वीडियो वॉच करिएगा। आगे मैं आपके साथ मूली की सब्ज़ी भी शेयर की हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून क्यूमिन सीड एंड 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर लिया है, 2 रेड चिली लिया है मैंने, ड्राई रेड चिली, एंड 2 टेबल स्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया है। इन सबको मैंने पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे ये जिंजर गार्लिक मेरे पास पेस्ट था तो मैंने वो यूज़ किया है। आप जिंजर गार्लिक ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको मसाला दिखा रही थी और वो गिर गया, इसके लिए सॉरी। इधर मेरे हस्बैंड चिकन को धो रहे हैं। मैं फिश चिकन या नॉन वेज क्लीन नहीं कर पाती हूँ, इसलिए वो कर देते हैं। तो चिकन क्लीन हो चुका है। इधर एक कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है, तो 2 तेज पत्ता, 1 रेड चिली एंड दालचीनी एंड क्यूमिन सीड्स एंड ब्लैक पेपर एंड जावित्री और फ्लावर, ये सारे लौंग इलायची, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी है, सारे गरम मसाले। यहाँ पे 4 ऑनियन मैंने कट कर लिया था लंबे लंबे स्लाइसेस में और 4 ग्रीन चिली। इसे हमें डीप गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो मैंने थोड़ा सॉल्ट ऐड कर दिया है जिससे ये थोड़ा जल्दी कुकिंग प्रोसेस हो जाएगा और जल्दी से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो मैं इसे कवर करके कुक कर रही हूँ क्योंकि इसे ऑनियन काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। तो लाइक दिस आप देख सकते हैं, इस स्टेज तक मुझे ऑनियन को कुक करना था। तो यहाँ पे मैंने चिकन जो था उसे ऐड कर दिया है। ये लगभग 600-700 ग्राम की चिकन थे। तो यहाँ पे मैंने टर्मरिक पाउडर 1 टेबल स्पून ऐड किया है और थोड़ा सॉल्ट ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया है बिकॉज़ पहले भी मैंने सॉल्ट ऐड किया था। तो चिकन को एक अच्छा सा स्टर दे देंगे और इसे कवर करके लगभग 5 to 7 मिनट कुक करेंगे। 5 to 7 मिनट हो चुके हैं और इससे इस चिकन का जो वाटर होता है वो सेपरेट भी हो गया है। तो ये सही स्टेज है इसमें मसाले ऐड करने का। तो जो मसाला मैंने पीस के रखा था मिक्सी में उसे मैं ऐड कर दूंगी। इस तरह से मसाले को पीस के डालने से जो करी होता है उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और मैंने जितने भी मसाले यहाँ पे यूज़ किया है, इनफैक्ट जो पाउडर सभी मैंने यूज़ किया है, जो कुरिएंडर पाउडर या फिर ब्लैक पेपर, ये सब भी मेरा घर से पीसा हुआ है। मैं मसाले सारे घर पे ही पीसती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ये बस चिकन को एक अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने यूज़ किया है। तो लगभग 10 मिनट्स फिर से मैंने चिकन को कवर करके पकाया था और फिर मैं इसे एक अच्छा सा स्टर दे दूँगी। और जो चिकन का जो वाटर निकलता है उसी के साथ सारे मसाले जब कुक होते हैं
तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो फिर से मैं इसे कवर करके लगभग 4 से 5 मिनट कुक करूँगी। और 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख रहे होंगे कि ऑयल जो है मेरा सेपरेट हो रहा है। बट इसे अभी हमें 10 मिनट्स और कुक करना है। इसे पूरे अच्छे से ड्राई करके हमें फ्राई कर लेना है। मसाला बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगना चाहिए। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कैसे फ्राई करना है इसे। तो फिर से हम इसे कवर कर देंगे 4-5 मिनट के लिए। अभी और भी ज़्यादा तेल सेपरेट होने लगा है। इस स्टेज में मैं एवरेस्ट का किचन किंग मसाला 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, सब्ज़ी का जो कलर है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है एंड काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है एवरेस्ट का किचन किंग मसाला का। तो आप देख सकते हैं चिकन पूरा ड्राई ड्राई फ्राई हो चुका है। इसे और ज़्यादा नहीं, 3-4 मिनट में फ्राई करूँगी और उसके बाद उसमें वाटर ऐड करूँगी। इस तरह से आप फ्राई भी बना सकते हैं। ये चिकन भी खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। रोटी नान वगैरह के साथ ऐसे भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। बट मुझे इसे राइस के साथ सर्व करना है तो मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी। तो इस स्टेज में मैं थोड़ा धनिया पत्ता ऐड कर दूँगी। मैं लास्ट में नहीं ऐड करूँगी, उससे काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर आ जाता है तो वो चिकन में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो मैं धनिया पत्ता डाल करके चिकन को फिर से फ्राई कर लूँगी 2 से 3 मिनट। उसके बाद मैं वाटर ऐड कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास वाटर ऐड किया है। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा वाटर ऐड कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा वाटर ऐड मत कीजिएगा। चिकन में बहुत ज़्यादा वाटर ही अच्छा नहीं लगता है। तो इसे कवर करके फिर हम 7 to 8 मिनट कुक करेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई रहेगा एंड लास्ट में फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे, जिससे सब्जी के ऊपर एक अच्छा सा अरोमा आ जाएगा। तो चिकन करी बन के रेडी है हमारा। तो मैं इसे सर्व कर देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। कैसा लगा आपको ये चिकन करी का रेसिपी, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक और रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने मेथी ऐड किया है एंड ड्राई रेड चिली ऐड किया है। यहाँ पे मैं 8 से 10 गार्लिक ऐड की हूँ एंड इसे डीप गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। इतना डीप गोल्डन ब्राउन होने तक आपको फ्राई करना है। फिर मैंने इसमें एक ऑनियन ऐड कर दिया है और इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू मूली और मूली की जो साग होती है उसकी सब्ज़ी। ये काफ़ी टेस्टी लगता है गरम गरम, इसे रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने आलू मूली और मूली के जो पत्ते थे उसको ऐड कर दिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी सॉल्ट। आप सॉल्ट थोड़ा देख लीजिएगा, ये थोड़ा कम हो जाएगा। तो फर्स्ट में आप थोड़ा सॉल्ट कम ही ऐड कीजिएगा एंड मैंने ऐड कर दिया है टर्मरिक पाउडर 1/2 टेबल स्पून और इसे एक स्टर दे के मैं कवर कर दूँगी।
उसे मैंने दूसरे वाले गैस में चढ़ा दिया है और इधर मैं रोटियां बना रही हूँ। तो इधर मैं रोटियां बना लेती हूँ। गरम गरम फुलके या रोटी के साथ ये वाली सब्जी बहुत अच्छा जाता है। मूली का पूरा फ्लेवर आता है। अगर आपको मूली खाना पसंद है तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा ये रेसिपी। तो वन बाय वन मैं सारी रोटियां अपना बना करके रेडी कर लेती हूँ और उस साइड में मैं जो मूली की सब्जी चढ़ाई थी उसे भी मैं बीच बीच में एक एक कस्टर्ड दे रही हूँ, नहीं तो वो जो हमारा पैन है उसमें चिपक जाएगा। इसलिए तो रोटियाँ मेरी हो गई है। मुझे ज़्यादा रोटी बनानी नहीं थी, 2 से 3 रोटी बनानी थी अपने लिए। तो फिर मैंने जो मेरा सब्जी था उसको मैंने इस साइड में ट्रांसफ़र कर लिया है और मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। आप देख सकते हैं ये देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी ये बहुत अच्छा लगता है। मूली के साग आप लोगों ने बनाया होगा, बट एक बार इस तरीके से बना करके देखिएगा। उम्मीद है मुझे कि आपको अच्छी लगेगी। तो इसे मैं फिर से फ्राई कर रही हूँ और एक बार फिर कवर कर दूँगी। बहुत क्विकली ये सब्ज़ी बन जाती है, 10 से 15 मिनट के अंदर ही ये बन जाता है। तो यहाँ पे जो सब्ज़ी है वो रेडी है बन करके। तो मैंने इसे सर्व कर दिया है। इसमें मैंने लिया है चटनी, मूली की सब्ज़ी एंड रोटी। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको कौन सी रेसिपी अच्छी लगी। और फिर से मैं आपको बाहर का वेदर दिखा रही हूँ। इस टाइम पे वेदर बहुत अच्छा हो रखा है एंड गर्मी भी काफ़ी कम हो गई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर से मिलती हूँ आपके साथ एक नए वीडियो में। लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो।